हेलो फ्रेंड, मैं हूँ पूजा और आप देख रहे हैं नेचुरल टिप्स एंड रिव्यू। दोस्तों, आज की वीडियो मेरी उन लोगों के लिए जो हमेशा कहते हैं हमें एक्ने है, ब्लैक हेड, वाइट हेड्स हो जाते हैं, सन बर्न बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाता है, स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि कोई भी प्रोडक्ट हमारी स्किन पर सूट नहीं करता है। तो आज मैं एक ऐसा ही प्रोडक्ट लेकर के आई हूँ जो कि बिल्कुल ही सेफ़ है, आपकी स्किन पर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं करेगा। रिजल्ट ये हो सकता है आपको देने में थोड़ा टाइम लगाए, लेकिन बिल्कुल सेफ़ है। और मैं हमेशा कहती हूँ जो सेफ़ चीज़ें होती हैं वो आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट नहीं देती हैं, और जो बहुत जल्दी रिजल्ट दे दे उन्हें अगर आप सही तरीके से यूज़ करें तो वो अच्छी होती हैं, और नहीं करें तो साइड इफ़ेक्ट तो उनके भी होते हैं। साइड इफ़ेक्ट हर किसी चीज़ के होते हैं, लेकिन आप सही तरीके से यूज़ करें तो उनके साइड इफ़ेक्ट से बचे रह सकते हैं। तो फिर आज मैं बात कर रही हूँ होम्योपैथिक क्रीम की। जैसे कि सब जानते हैं होम्योपैथिक क्रीम के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। अगर आप उसको गलत तरीके से यूज़ करें तो वो आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ कर लीजिए, उनके साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल ही जाएंगे। तो आज जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ वो है एसक्योर होम्योपैथिक क्रीम, जो कि पैकेजिंग इसकी कुछ एक ऐसी आती है जैसे कि होम्योपैथिक की सारी क्रीमें आती हैं उसी तरह की क्रीम वो है। और होम्योपैथिक की क्रीम में की जो पैकेजिंग होती है वो बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होती है, क्योंकि वो इतनी कॉस्टली नहीं होती है। वो पैकेजिंग को फैंसी बनाने में अपना पैसा वेस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ उसके इंग्रेडिएंट्स पर ध्यान देते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अंदर से ये कुछ एक इस तरह की मिल जाती है, आपको इस तरह का ट्यूब मिल जाएगा। साथ ही ये वैक्सीन कंपनी का बनाया गया एक प्रोडक्ट है, 30 ग्राम की इसकी पैकेजिंग है, 90 रुपीज़ में इजीली आपको किसी भी मेडिकल पर मिल जाएगी। मेडिकल पर नहीं मिलती है तो होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर तो ये ज़रूर मिल जाएगी। 5 साल की इसकी एक्सपायरी डेट होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप 30 ग्राम प्रोडक्ट को 5 साल तो कोई नहीं चलाने वाला है, लेकिन फिर भी इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो अच्छी खासी हमें मिल जाती है। इंग्रेडिएंट्स इसमें जितने भी हैं वो बिल्कुल ही सेफ है, लेकिन इसमें एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है मुझे समझ नहीं आता जब इन लोगों ने इतने ज़्यादा मतलब सेफ इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए, इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो इन्होंने सिर्फ एक मिस्टेक इसमें की है, इन्होंने इसमें एल्कोहल मिलाया है। होम्योपैथिक के जितने भी प्रोडक्ट होंगे आप देख सकते हैं उनमें एल्कोहल होता ही है, और ये लोग क्यों डालते हैं आई डोंट नो। तो इसमें भी एल्कोहल डाला गया है, और जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल ही सेफ़ है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते एल्कोहल डाला है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा, ऐसा नहीं होगा। इसे आप पिगमेंटेशन है तब यूज़ कर सकते हैं, सनबर्न हो गया है तब यूज़ कर सकते हैं, नहीं हुआ है तब भी यूज़ कर सकते हैं। ये पिगमेंटेशन को होने से रोकता है। एक्ने है, ब्लैक हेड, वाइट हेड्स हैं, आपकी स्किन पर ईचिंग रहती है, जैसे कि खुजली वगैरह रहती है, किसी भी तरह के रैसेस हो जाते हैं, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देगी, रिजल्ट देगी लेकिन स्लो देगी, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं देगी। दिन में आपको 2 बार इसको यूज़ करना है, एक बार मॉर्निंग में करना है, एक बार नाइट में करना है। जैसे आप अपने कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम यूज़ करते हैं उसकी जगह पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, अफोर्डेबल ही है, और साइड इफ़ेक्ट इसका कुछ भी नहीं होगा अगर आप इसको सही तरीके से यूज़ करें। मॉर्निंग में फेस को वॉश करने के बाद आपको इस क्रीम को लगा लेना है, इसके ऊपर आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है। उसके बाद ही आपको नाइट में भी फेस वॉश करने के बाद इस क्रीम को थोड़ा सा लेकर के अपने फेस पर मसाज करते हुए लगा लेना है, ऐसे ही छोड़ देना है रात भर। बस इतना आपको करना है इस क्रीम के साथ। और उसके साथ ही जैसे कि अभी विंटर्स स्टार्ट हो चुके हैं तो फिर आप इसको मॉइस्चराइजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, नॉर्मल है, ऑल स्किन टाइप्स के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये ऑयल को कंट्रोल करेगी, ड्राई है तो उस पर उसको अच्छे से मॉइस्चराइज करेगी जिससे आपकी स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई ना लगे, और नॉर्मल स्किन के लिए तो ये दोनों तरह से काम करेगी। आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देगी, बहुत ज़्यादा ऑयल को नहीं आने देगी, ऑयल को भी बैलेंस करके रखेगी, एक्ने, ब्लैक हेड, वाइट हेड्स को होने से रोकेगी। पिगमेंटेशन है तो उसे धीरे धीरे लाइट करेगी, नहीं है तो उसको आने से रोकेगी। आपकी स्किन का जो मेलानिन होता है उसको बैलेंस करके रखती है जिससे आपको पिगमेंटेशन ना हो, आपकी स्किन डार्क ना हो, सन बर्न को रोकेगी। अगर आपकी स्किन थोड़ी सी जल गई है, कोई भी घाव है, तब भी आप इसको उसके ऊपर भी लगा सकते हैं, ये उस घाव को भरने में भी आपकी मदद करेगी। अगर जला हुआ हो गया है, कहीं से जल गया है, तो वहाँ पर तुरंत इसको लगाएं, रेगुलर लगाएं, ताकि वो जो जली जली हुई जगह है वो घाव भर जाए और उसका निशान वहाँ पर ना रहे। मेडिसिन की तरह भी आपकी स्किन पर वर्क करेगी, साथ ही साथ एक अच्छे मॉइस्चराइजर की तरह भी अपना काम करेगी आपकी स्किन पर। हमेशा होम्योपैथिक ही ज़्यादातर इसीलिए बताती हैं, फिर मेडिकेटेड क्रीम इसीलिए बताती हैं क्योंकि उनके रिजल्ट अच्छे होते हैं। अगर आप कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेते हैं तो उनके आप कितने भी डिब्बे खाली कर दीजिए, उनके रिजल्ट आपको नहीं मिल पाते हैं, तो मुझे वो कम पसंद आते हैं। ये सारी चीज़ें होम्योपैथिक और मेडिकेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद आते हैं क्योंकि उनके रिजल्ट अच्छे होते हैं।
और मेडिकेटेड प्रोडक्ट आपको थोड़े कॉस्टली मिल सकते हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन होम्योपैथी के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। ये आपकी स्किन पे बहुत अच्छा काम नहीं करेंगे तो साइड इफ़ेक्ट भी नहीं देंगे, लेकिन बस शर्त यही होती है किसी भी प्रोडक्ट को आप सही से इस्तेमाल करें। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर भी करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।